नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रणधीर कुमार। शायद आप देख रहे हैं ब्लॉग विथ रणधीर। तो आज हम जा रहे हैं, आज का मेरा सफ़र है पनियावा से लेकर बीरावार घूमने के लिए, यानी कि बीरवार ठोकर, और सभी लोग इसे बीरावार के नाम से जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। पनियावा से लेकर खड्डा होते हुए हम बीरावार जाएंगे। बीरावार का नाम आपने शायद सुना ही होगा और शायद आपने घूमा भी होगा। सबसे प्यारा है। तो हम सभी लोग धीरे धीरे चलते चलते पहुंच चुके थे कहाँ, अपना खड्डा में। और खड्डा से लगभग अभी 3 हम पहुंच चुके थे लक्ष्मीपुर पड़रावा गांव में। लक्ष्मीपुर पड़रावा जो गांव है उसके जस्ट बगल में ही बीरावार बांध पड़ता है। अगर आप यहां से राइट लेते हैं तो बीरावार मंदिर जाएंगे, और यहां से अगर आप लेफ्ट रहते हैं तो बीरावार ठोकर जाएंगे। तो हम बीरावार मंदिर नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट जा रहे हैं बीरावार ठोकर, और बीरावार ठोकर के लिए। और यहाँ से भी बीरावार ठोकर अभी 5 किलोमीटर दूर है, और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बीरावार ठोकर की ओर। और आप वीडियो पर बने रहो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके भी बताना कि हाँ वीडियो कैसा था कैसा नहीं था, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। अगर नदी के किनारे जितने भी गांव होती है या फिर जितने भी फसलें होती हैं वाकई में इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, जिनको देख के कुछ फीलिंग्स ही अलग आता है, और वो हमको लगता है कि नेचर से कम नहीं होती हैं।
अभी बीरावार का जो बांध है उस पर कार्य अभी जारी है, काम धीरे धीरे हो रहा है और सिंचाई विभाग द्वारा वहाँ पे 5 नए नए ठोकरों का निर्माण भी कराया जा रहा है। ठोकर को बचाने के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा भी स्प्रो का निर्माण कराया गया है। जिस ठोकर के नोज कमज़ोर हो गए हैं लोहे की जाली में बोल्डर बांधकर उनको मजबूत किया जा रहा है। एशिया के सबसे बड़े 1420 मीटर लंबे बीरावार ठोकर जो नदी का दबाव काफ़ी समय से झेलते आ रहा है, तबाही से बचाने वाला यह ठोकर अब खुद खतरे के मुहान पर खड़ा है। खतरे का संकेत लेकर आ रही बूढ़ी गंडक नदी की लहरें हर साल इन ठोकरों को मानसून के दौरान काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाती हैं। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं बीरावार ठोकर और ये आपको बड़े बड़े ड्रम दिखाई दे रहे हैं। इससे पीपा पुल का निर्माण किया जाता है और यहाँ पे बाढ़ के कारण पीपा पुल टूट भी जाता है। और ये जो आपको सामने का व्यू दिखाई दे रहा होगा यही एशिया का सबसे बड़ा ठोकर है जो बीरावार के नाम से जाना जाता है और शायद आप बीरावार के नाम से जानते हैं।